बेतिया में किसानों की समस्या और यूरिया खाद की किल्लत को लेकर सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में भाकपा माले ने बेतिया के लोरिया प्रखंड कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान विधायक ने केंद्र राज्य सरकार पर किसान विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद किसानों को यूरिया खाद की सख्त जरूरत है, लेकिन ना तो पैक्स के माध्यम से और ना ही रिटेलर के माध्यम से ही किसानों को खाद मिल रहा है, जिससे किसान परेशान है। लेकिन सरकार का कोई नियंत्रण खाद के थोक विक्रेता और रिटेलरों पर नहीं है, जिसके चलते जिले में बड़े पैमाने पर यूरिया खाद की कालाबाजारी की जा रही है और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। पैक्स जो है मूलतः किसानों के खाद बीज के लिए ये संस्था है और वो पैक्स जो है आज डिफरेंट है, बहुत कम पैक्सों को खाद जाता है। जो माफिया पैक्स हैं उनको खाद बीज जाता है, बाकी पैक्सों को नहीं जाता है। जबकि नियम है कि किसी कंपनी का खाद आएगा, जैसे यहाँ 10 कंपनियों के खाद आ रहे हैं तो उसके वो रिटेलर नहीं है, तो जिस कंपनी का खाद आएगा उसी के रिटेलर को मिलेगा। लेकिन पैक्स को 15% खाद आप सभी कंपनियों को जाना है, लेकिन यहाँ कोई वो नियम लागू नहीं। यदि ये भी लागू होता तो सभी पंचायतों में खाद मिलती।